हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और अभी फटाफट सब लाइन से लगे हैं, सामान गाड़ी में भर रहे हैं, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से वेन्यू की ओर। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और उस एक्साइटमेंट में सोच रहे कुछ सामान ना रह जाए, इसलिए रात को सारा सामान भी पैक करके रख लिया था। आज सिर्फ बैग एक एक करके गाड़ियों में लोड कर रहे हैं, और मम्मी भी फुल्ली लोडेड है। पता नहीं कितने सारे पैकेट्स उठा दिए मम्मी ने अपने हाथों में। मैं मम्मी को हेल्प कराती हूँ। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, बाय बाय, मिलते। गले तक पैक है हम। इतनी पैंट गाड़ी देखी है कभी? आगे देखो, मम्मी पापा की होती है पैंट गाड़ी। क्या हुआ? ले जाओ ले जाओ। अच्छा, यहाँ ज्यादा लोग हमारे पास है। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। टाइट होगी तो मैं बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, मिलते हैं। हम चंडीगढ़ पहुंच गए, और पहुंचते ही सबसे पहला काम हम ये करने आए हैं कि जो रिटर्न फेवर के बॉक्सेस है वो देखने आए, सही से बन गए या नहीं। और शादी वाला घर है, आपको पता है कितने सारे काम होते हैं, तो अब वो सारे काम शुरू हो गए। और आपको आने वाले व्लॉग्स में बहुत मजा आने वाला है, यही सब देखने को मिलेगा। जिसका बिल होता है वो बैठा है। बिठाओ बिठाओ दीदी को, जल्दी बिठाओ। रिजल्ट आने वाले, वो देख भी नहीं। कुछ भी ऐसा जिससे मेरी कॉफी का नशा उतर जाए। मुझे कॉफी से इतनी वो रखी है ना, एंजाइटी। तुझे बिल डाइजेस्ट हो जाए। क्या है? बिल डाइजेस्ट हो जाए। बिल डाइजेस्ट हो जाए। कोल्ड ड्रिंक ले गई भाई, दे दो जरा। पेन का डोज रखते हैं। अभी हम फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर रहे हैं। ये ठीक है, ये अच्छा है। मुझे वो वाला अच्छा लगा भाई। नहीं, पहले वाला अच्छा। ये वाला तो यही है, ये अच्छा है। इसमें एक और है, इसी तरह का एक और है। दो एक और कैसे हो सकता है? अरे दो, वो बड़ा था। तेरे चश्मों का नंबर बढ़ गया बस। रेडी प्लीज, फोन इसके ऊपर दबा दे। ये नहीं तुम दिया ऑर्डर? ये नॉर्मल, ये थोड़ी देर बाद का पहले नहीं ऑर्डर लेके। ये बहुत एक्साइटेड है अपने बच्चों के लिए। वैसे वो लेके इसके अंदर जो बाउल है वो लेके। एक ये है पूरा, इसके अंदर क्या है? अच्छा, ये कंटेनर है पूरा। ओके, वेरी नाइस। सो हमारा शादी का काम तो शुरू हो चुका है बहुत ही जोरों शोरों से, और बॉक्सेस भी बहुत 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 अच्छे बन के आए। एज यूजुअल भैया ने हमको प्लेजेंटली सरप्राइज किया है, और रजत ने मुझे शॉकिंग वे में सरप्राइज किया है। कैसे पता? ये अपने कपड़े ही भूल गया शादी के शिमला में यार, क्योंकि इतना कुछ काम था वहां से। अभी नए नए घर में शिफ्ट हुए हम, तो जो मेरे कपड़े थे वो एक्चुअली किसी और रूम में, मतलब दूसरे रूम की वार्डरोब में रखे थे। किसने रखे थे मुझे नहीं पता, बट अब सब मुझे इशारा समझ रहे हो। अभी मुझे बोलना चाह रहा है कि नैना तुम्हारी वजह से भूला हूं मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट अब मैं नए ले लूंगा। नहीं, अब हमने अरेंज किया है कि कोई ले आए। अब देखते हैं, अगर कोई लाने वाला बन जाता है कपड़े तो ठीक है, नहीं तो कुछ और लेना पड़ेगा मेरे लिए। ऐसे कैसे कोई कर सकते, शादी के कपड़े भूल गए? जिस फंक्शन के लिए जा रहे आप वही भूल गए? मैंने और तो डाले कैजुअल्स, तो कैजुअल्स कैजुअल्स का मैं आपको ये बता दूं, पूरा ट्रॉली बैग बड़ा वाला आया है, और उसमें शादी का एक भी कपड़ा नहीं। और फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी डेस्टिनेशन नंबर 2 जाना है हमको, वहाँ से कुछ सामान पिकअप करना है। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पिया, मेरे को ही चाहिए था, आपने सबके लिए ला दिया। अरे नहीं, हमने पी लिया भैया, आप लोग पियो। ये बाहर ही खड़ा हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ बताओ तो सही। अरे एक्चुअली मैंने ना कॉफ़ी पी थी, और कॉफ़ी ना मुझे सूट नहीं करती ज़्यादा, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, थके होते हैं तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर जाता है, बट मुझे सूट नहीं करती, उससे ना थोड़ा ऐसा हो जाता है धक 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 धक। तो वो पीने के बाद मेरा मन था कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का। थैंक यू जी। अरे बाप रे, कितने सारे, बस दो काफी है, दो काफी बहुत है भैया, बहुत है, बस दो काफी है। थैंक यू भैया, दो क्या चार ले लिए तुमने, दो बोल के तो दे ही रहे, तुम्हें क्या करती। तो मैंने अंदर, जैसे ही अंदर गए हम, मैंने तरुण भैया को बोला, भैया ने पूछा क्या पियोगे, क्या जूस पियोगे, ये पियोगे वो पियोगे। मैंने बोल दिया, मैं अपनों से क्या शर्म यार, अपनों को बता ही देना था क्या पीना है। तो मैंने बोल दिया भैया मेरे लिए तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, मेरी थोड़ी ऐसी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। और उन्होंने एकदम से कोल्ड ड्रिंक मंगवा दिया, सिर्फ मैंने ही लिया, इन्होंने किसी ने नहीं लिया। तो अभी भैया को फोन आया था, आप अपना सामान भूल गए। हमको लगा यार क्या सामान भूल गए, फिर इन्होंने कोक भेजे कि आपने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, आपने पिया ही नहीं। तो तुमको नहीं लगता कुछ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो, और लोगों को अपना रहे हो? पहले जब कनिष्क भैया की शॉप गए थे, फिर वहां पे समोसे मंगवा दिए। अब जिनसे यार देखो पर्सनल कनेक्शन बन जाता ना, उनके साथ शर्म नहीं होती है ना। तो जैसे हम आप लोगों के साथ कुछ भी बोल देते हैं, वैसे मेरे कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ मैं कुछ भी बोल देता हूँ, तो मैं इतनी शर्म नहीं करता। और शर्म करे क्या ही मिलेगा यार, एक जिंदगी मिली है उसमें खुल के जियो, जहाँ अपनापन है ना वहाँ खुल के
बोल देना चाहिए, ज्यादा ऐसे फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं यार क्या सोचेगा क्या करेगा, मतलब मजे करने चाहिए बेसिकली जिंदगी में। अब तुम मुझे रास्ता बताओ नहीं तो दो तीन घंटे घूमता ही रहूंगा। वही बोल रही हूं, इसी नोट पे हम आगे चलते हैं और मेरे को जीपीएस यूज करना है, आपसे हम थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय। यस नैना चलो, अब क्या कर रही हो? यार भूख लगी आज दिन भर, पता कुछ खाने का हमको टाइम नहीं लगा। और देखो मैं क्या खा रही हूँ, मेरी सास मॉम के द्वारा बनाए गए लड्डू जो इतने प्यार से बने और पूरे पूरे। तुमने बैग में भर के रखे थे तो बताया क्यों नहीं अभी तक? अभी नहीं, अब तो बाद में खाऊंगा, बट पहले खा सकता। नहीं पता था तुमने मना करना है। हाँ तो तुमने पूछा ही कौन सा मुझे। तो अभी हम लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए आए हैं और रजत अभी अंदर नहीं आया बिकॉज उसको अपलोड करना था और यहाँ पे सिग्नल थोड़ा कम था। तो जैसे ही ब्लॉग अपलोड हो जाएगा रजत अंदर आएगा, तब तक मैं और रोहिंदी ढूंढ रहे हैं और रोहिंदी मेरी एक्टिंग कर रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मॉम कर ले थोड़ा डांस कर ले, तो इनके साथ मैं शॉपिंग करवाती हूँ। वैसे हमको बहुत भूख लग रही है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मतलब ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद लंच नहीं किया प्रॉपर, इसलिए भूख लग रही है। तो इसके बाद किसकी वजह से? इसकी वजह से नहीं खाया, ये बताया तुमने? आपको वजह नहीं, मैं नहीं वजह, वो देख वो देख वो। अच्छा वजह, हाँ मतलब रोहिंदी के काम थे थोड़े बहुत, दूल्हे के लिए शॉपिंग कर रही है। हाँ दूल्हे शॉपिंग की खत्म कर दी अपने दूल्हे के लिए। अरे उसके पास ना ये मैचिंग नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो सब कलेक्ट कर रहे हैं हम, और हम लोगों को मदद करनी पड़ती है। हम बड़े अच्छे भाई बहन हैं तो इसलिए उसको हेल्प कर रहे हैं। और इसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, क्या खाएंगे वो तो मुझे पता नहीं है, बट मैं वेट कर रही हूँ कि रजत भी आ जाए। उसके बाद मिल गए, चलो अच्छा है वो, उसको मैचिंग शूज़ भी मिल गए। हाँ तो उसके बाद जब रजत आएगा ना, यार ये बोलते बहुत है, मुझे भी बोलने दो। द बेस्ट पार्ट इज हम लोगों को शॉपिंग करने की, और हमने अभी तक अपनी कोई शॉपिंग नहीं करी। 100 रुपये शॉपिंग के आए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं लिया अभी शादी के लिए, मतलब एक चीज भी नहीं। हाँ रोहिंदी ले रही है जो कि ब्राइड है, बट चलो दैट्स ओके, जाने देंगे, जाने इस बार, इस बार से इस बार जाने देते हैं उसे। तो उसके बाद जब रोहिंदी की शॉपिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा एंड होपफुली रजत का ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो मैं रजत को बुलाऊंगी और हम कुछ खाएंगे बिकॉज शाम हो चुकी है, अब बहुत जोरों की भूख लग रही है हम सबको। रजत के फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी इसलिए अभी मैं ये पावर बैंक लेके आई हूँ। क्या हुआ? बैटरी जाने वाली है, अपलोड में भी बस थोड़ा ही टाइम बचा है यार। आई स्वेयर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी व्लॉग में। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? पता नहीं यार, पर हमारे साथ ना अक्सर ये होता है जब हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए ना, तो तब यही होता है, साउंड का इशू हो गया था कुछ। चल अब बैटरी जाने वाली थी आई स्वेयर, तो देखो टाइमली पहुंचेगी ना। मैं हो गया, मैं पागल हो गया हूं लेकिन। अब क्यों यार इतनी देर से यहां खड़ा हूं, कोई 1 घंटे से अपलोड हो भी गया था। चलो हो जाएगा। जो हमारा हिमाचल का पुलिस बैंड है हार्मनी ऑफ पाइंस, मुझे उनके सिंगर मिले मिस्टर कार्तिक, और उनसे मिलके मुझे इतनी खुशी हुई ना, मुझे और रजत को शुरू से ही उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, और यार हमारे हिमाचल का पुलिस बैंड है, वी फील सो प्राउड ऑफ इट। और उनसे मिली मैं और रजत, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ नहीं है अभी क्योंकि वो व्लॉग अपलोड कर रहे हैं ना, तो उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एक्साइटमेंट में मैं सिर्फ उनके साथ फ़ोटो ही ली, व्लॉग करना भूली, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो मैंने फ़ोटो ली है वो मैं यहाँ जोड़ दूँगी। सब्सक्राइबर्स मिल गए थे तो वो मेरे साथ पिक्चर लेना चाहते थे, तो हमने उनके साथ पिक्चर ली। अब मैं वापस रोहिंदी और सौरभ के साथ जाती हूँ, उनकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा लेती हूँ, और उसके बाद तो कुछ खा ही लेंगे। रजत ने मुझे कहा अब मुश्किल से उसको 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम सब फ्री है। सबसे कह रही थी कि चलो कुछ खाने चलते, पर ये कहते कि नहीं हम रजत के बिना नहीं जाएंगे, तो अब रजत को लेने बाहर ही जा रहे हैं। फोन तो देख लिया करो, ये कहाँ से? इसने भी बोला, मैंने बोला। कितने एक्टर फोन कब से कर रहा हूं, कोई केयर ही नहीं है ना। मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ जो मैं फोन नहीं कर सकता, अपलोड कर रहा हूँ, मैं इसे ब्लॉक कर रही हूँ, पर मेरा मैसेज भी देख रही है। यार एक्चुअली कमिंग टू यू, हम खाना खाने जा रहे थे, एग्जैक्टली, फिर हमने डिसाइड करा कि हम तेरे बिना नहीं रहेंगे भाई। मेरी बहन पे तो गला का आरोप मत लगाया था, तो आप तो लगाऊं? देखो मैं पे लगा रोक पे। चलो चलो कुछ मुझे भी खरीदवाओ, चल दीदी चल, पहले कुछ खा लो। सौरभ भैया बेहोश होने वाले हैं। सौरभ भैया आई एम सॉरी, मैं आईसीयू में मिलता हूं तुम्हें। ओ माय गॉड, मैं साइड में खड़ी रह के एंजॉय करती हूँ, कौन जीतेगा? देखा मेरे हस्बैंड जीत गए। अच्छा है रोज जीते। खाना भी खाना है इसके बाद।
यार किसी का नवजोत के का कमेंट है, मेरे पास 500 के 3 नोट है 786 वाले, मैं बोल रहा हूँ हमें दे दो 1 2 3। अच्छा 1 2 3 1 2 3 अच्छा रजत तुम्हारा कुछ दिखाती हूँ, मैं तुम्हारा कुछ दिखाती हूँ। एक मिनट से मिली। ओह इसीलिए हमारे साथ रहा करो। ये कब मिली तुम? मैं मिली थी जब रोहिणी के साथ नहीं गई थी और तुम व्लॉग अपलोड कर रहे थे उस टाइम पे। मैंने इनको बताया कि रजत बहुत खुश होता अगर रास्ते मिल पाता, बट क्या करें उसको व्लॉग अपलोड करना पड़ा था। पिछले पास है हमें भी जानते लोग। हाँ वही मुझे भी ऐसे हो, क्योंकि जब हमने एक दूसरे को देखा ना तो पहले तो मुझे लगा क्या ये वही है, जैसे मुझे लगा ना मुझे एक बार जाके बात तो करनी चाहिए, मुझे जाके एक बार बात तो करनी चाहिए। एंड ही इज फ्रॉम सोलन। तब तो रजत को और ज्यादा खुशी हो जाती है ना जब तू रजत के एरिया से हो गए। थके हारे हम पहुंच रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है और अभी बैठ के हम डिस्कशंस करेंगे कि क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी है, क्योंकि अब फंक्शन आ चुका है फैमिली में, हम सारा थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड करने वाले हैं। नैना आगे देखो, यही हमारे अभी फंक्शन होगा। हाँ। कितनी क्यूट डेकोरेशंस है। तो अभी सब लोग सो चुके हैं, रूम वगैरह पहुंच चुके हैं, मम्मी पापा को हमने पहले वो वेट कर रहे हैं कि हम लोग सब बैठेंगे और साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे। यस तो हम डिस्कशन करेंगे अभी व्लॉग तो ऑब्वियसली डिस्कशन का क्या लेंगे। तो सुबह आपको सुबह हम फ्रेश एनर्जी के साथ मिलते हैं, हमारी हालत भी खराब हो चुकी है। हाँ। जल्दी से रूम पे जाके फ्रेश होते हैं और कल सुबह आपसे मिलते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह भी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा, और अभी अभी हम ये वेन्यू में डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारे कुछ फंक्शन आउटडोर्स थे बट यहाँ पे मौसम ख़राब लग रहा है, जैसे कि मेरी शादी में भी था ही। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और वाटरप्रूफिंग हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हमारा फंक्शन अच्छे से रहे और डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से दिखे। रोहिणी तो सुबह से यही सब डिस्कशन में लगी है, भगवान प्लीज़ मौसम अच्छा रहे, कुछ तो चमत्कार हो जाए। यूजुअली मई के महीने में कभी हमने इतनी बारिश नहीं देखी, इतना मौसम ठंडा भी नहीं होता था, बट पता नहीं साल क्या होने को आया। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर व्यू है, बट चलो लेट्स सी क्या बनता है। शादी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है, हम लिफ्ट में फंस गए हैं फिर से। यस बट इस बार तेरे साथ हाँ, हुई। अच्छी बात यह है इस बार मेरे साथ कोई है भी, और दूसरी अच्छी बात यह है कि लाइट आ गई, अभी तो लाइट भी नहीं थी थोड़ी देर पहले। म्यूजिक तो बजा दिया ना, चलेगा कभी और चलते हैं। इसलिए कहते आलस नहीं करना चाहिए। तो कुछ कमाल ही हो गया है जी, पहले बारिश नहीं करा कमाल। अब लिफ्ट मेरे को लगता है ग्राउंड फ्लोर पे खुलेगा, खोल। पर एक बात है, इस बार जो हम लिफ्ट में फंसे मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा, पिछली बार तो हार्ट अटैक आ गया था। दिस टाइम आई हैव माय भाया विद मी। भाया तो ठीक है, क्या कर रहा है? जितनी हमको जल्दी हो रही है ना उतना ही लेट हो रहा है हर एक चीज के लिए। रोजी पता क्या कह रही है कि मेरी बहन को तो कोई परवाह नहीं हुई, जल्दी कोई नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। रहने दो, तुमको पता है। तुमको पता दिन को मैं और रोहिणी लिफ्ट में भी फंसे थे, मैं कहा अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, लिफ्ट में फंसने से डर नहीं लग रहा। अपने को भी दिखाओ ना। अभी तो मैं रेडी हुई नहीं हूँ, अभी तो हालत खराब है, रेडी होकर मिलती हूँ आपसे। दुल्हन से पहले दुल्हन की मम्मी रेडी हो गए। दुल्हन को तो हमने कर दिया रेडी। अच्छा।